नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जहां 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी रणनीतियां बना रही है, वहीं यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेल दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन का दाव। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दाव खेला जा रहा है ये समय से पहले ही चुनाव कराने की एक रणनीति है, जिसके तहत आपको बता दें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उससे पहले ही 2023 के अंतिम दौर में यानी कि नवंबर दिसंबर में कई राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला कायम हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों के चुनाव एक ही साथ दिसंबर के महीने में ही कराए जा सकते हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन को तोड़ना उनका प्रमुख जो है वो उद्देश्य यहां पर रहने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ जो नेता है वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि अलग समय पर स्टेट के चुनाव में नाजायज खर्च होता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहां पर जिस तरीके से कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसके बाद से ही देश भर की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करती हुई नजर आ रही। और वहीं एक तरफ है ओम प्रकाश राजभर। तो आपको बता दें कि ऐसे में उत्तर प्रदेश के सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख जो है, उन्होंने इस पॉलिसी का स्वागत किया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि ये नीति बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस सरकार और अन्य सरकारें केवल इस पर चर्चा करती थी। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के लागू होने पर चुनावों पर खर्च होने वाला ज्यादातर देश का पैसा देश के विकास में उपयोग किया जा सकेगा। स्टेट चुनाव में ज्यादा पैसा जो खर्च होता था वो नजायज पैसा खर्च होता था। राजभर उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान खर्च होने वाले सरकारी खजाने को नजायज खर्च बताते हुए कहा कि कभी इस स्टेट का चुनाव, कभी उस स्टेट का चुनाव होने पर देश के धन का नजायज खर्च होता था। फिलहाल केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को लेकर एक और जहां विपक्ष लगातार इस पर हमलावर होकर इसका विरोध कर रहा है, वहीं कई नेता इस देश के विकास के लिए इसे सही ठहरा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य? आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान सभा में बहुत ही विद्वान लोग शामिल थे, लंबे मंथन और आम सहमति के बाद संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप दिया था। अब तक संविधान के मुताबिक हर चुनाव कराए जाते थे, ऐसे में संवैधानिक परंपरा को बदलने की जरूरत क्या है? लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा का चुनाव कराने पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार भी भंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लोकतंत्र खत्म कर बीजेपी अराजकता पैदा करना चाहती है। 1 साल या 2 साल में आप कैसे हटा सकते हैं? कार्यकाल के बीच विधानसभा भंग होने की जो सूरत में हम दोबारा चुनाव कराने के लिए 5 वर्षों का इंतजार करते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र को खत्म कर अराजकता पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी संक्षिप्त समय में कोई फैसला नहीं ले सकती है। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी नेता संसद का विरोध विशेष सत्र बुलाकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने संसद का 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया है। मोदी सरकार के फैसले पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। कमेटी में शामिल है गुलाम नबी आजाद। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के लिए बनाई गई इस कमेटी के जो अध्यक्ष रहेंगे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे। चेयरमैन बनाया गया है जिसके तहत वही गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, हरीश सालवे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति और अंग्रेजी में HLC रखा गया है। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है, अगर ये देश में लागू हो जाती है तो क्या इससे जो भारत का लोकतंत्र है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा? क्या भारत के लोकतंत्र के लिए ये खतरा है, या फिर
धन को बचाने के लिए, जो इलेक्शन में जितना ज्यादा खर्चा होता है उस खर्चे को बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो ठीक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।